संसद भवन में इस प्रकार से लोकसभा में सत्र में पहली संसद लगी और उसके बाद रमेश विदुर ने जिस प्रकार से बयानबाजी की है उसमें कहीं ना कहीं अब मुसलमानों में रोष दिखाई देने को मिला है और उन लोगों से जानते हैं कि ऐसे बयान को वो कैसे देख रहे हैं। क्या नाम किया? मेरा नाम राजन पंडित है, हिंदू रक्षा दल से जिला अध्यक्ष। कैसे देख रहे रमेश विदुरी ने ये बातें कह दी है वहाँ पर? अगर रमेश विदुरिया जी ने ये बात कह दी तो उन्होंने क्या गलत कह दी है बताइए। सिया सुन्नी का जो उनका मामला पहले से चला वो हिंदुओं ने तो नहीं कराया है ना। उन्होंने भाई चलो ये बात कही, अगर उन्होंने भाई कटवे वाली जो बात कही है वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला, उसमें चलो हम नहीं समर्थन करते, मगर ये बताइए पाकिस्तान में जो आज हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा, कभी उस चीज का भी मुद्दा उठाया किसी सरकार ने यहाँ से? बताओ उठाया क्या? क्या वहां हिंदू रहते कि यहाँ छोटी सी एक चिंगारी को लेकर हिंदू मुसलमान पर लाकर धर दी? अरे विपक्ष देख रहे कि हिंदू मुसलमान के एजेंडे से देख रहे हैं ना ऐसे कि भाई ये हिंदू था, भाजपा का सांसद है, ये मुसलमान थे, सपा का सांसद है। देखो ये जो प्रेम की वो चला रखी इन्होंने, इस तरह से नहीं चलने का मामला। हम अपने भाई का समर्थन करेंगे, हर जगह से करेंगे, जहां भी कहेंगे वहां खड़े होंगे उनके लिए, अपने धर्म के लिए हम हर जगह खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मगर वे तो अभी राहुल गांधी मिलने गए उनसे, राहुल गांधी मिल के आए भाई मोहब्बत की दुकान बिखेरेंगे जा करके, खोलेंगे मोहब्बत की दुकानें। तो रमेश विदुरिया जी से थोड़ी मिले वो, उनकी सारी से मिले ना, जिसके लिए बोली गई ऐसी बातें उनसे बात करने के लिए गए ना, उनसे मिलने गए तुरंत ही शाम को, राहुल गांधी खुद पहुंचे वहीं पे मिलने। तो हिंदुओं को क्यों नहीं मिले राहुल गांधी? उन्हें क्यों नहीं गले लगाते? उनकी वे क्या मोहब्बत नहीं करते? वो नफरत फैलाते हैं क्या? बताओ हिमाचल में से इतने मुसलमान निकाल ले, बताओ तब की नहीं मोहब्बत थी वहां से? और मेवात में झगड़े हुए, वहां से हिंदू भी मारे गए, एक मुसलमान कॉन्स्टेबल भी मारा गया, बताओ तब मोहब्बत क्यों नहीं थी वहां से? वहां क्या मोहब्बत नहीं थी? मगर किसी सांसद के द्वारा ऐसी टिप्पणी करना कि भाई मुल्लों को, कटवों को, उग्रवादी तक बोल रहे हैं जाकर सांसद के खिलाफ, एक आपने प्रोग्राम में देखा होगा जहां से भारत माता के जयकारे के नारे भी लग रहे थे, वहीं से इन्हीं सांसद ने, विपक्ष के सांसद ने वहां से उस नारे पर विरोध जताया था। बताओ भारत माता की कहते हो जो शर्म लग रही है भाई, क्यों नहीं कहते हो? क्यों नहीं कहते बताओ? हमारे देश में रहेंगे भारत माता की जय कहने के नहीं, तो ऐसे थोड़े चला। अगर आज उन्होंने बात कर दी तो क्या गलत कह दी बताओ? तो इतनी बड़ी बात है, कहते समर्थन करते हैं? नहीं समर्थन हम बातों का नहीं करते, हम अपने भाई का समर्थन करेंगे। अच्छा जी बिल्कुल, भाई का समर्थन करेंगे। राहुल गांधी तो खुल करके आगे भाई मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, मोहब्बत की दुकान जो कठिनाई थी वो नहीं चाहिए, क्योंकि पर जो कड़वापन है वो खत्म हो गया मोहब्बत की दुकान। कोई बात नहीं, मुसलमानों के साथ मोहब्बत चलाओ, हिंदुओं के साथ मोहब्बत चल रही है, देखो हम कर रहे हैं, अपने भाई अपने भाई से दूर थोड़ी चले जाएंगे। बताओ भाई राहुल गांधी मुसलमानों को तो मोहब्बत दिखाता है, हिंदुओं को तो मोहब्बत नहीं दिखाता। मैं बात में झगड़ा गया राहुल गांधी वहां, गया कोई विपक्षी नेता वहां से, पूछा उन्होंने जाके हिंदुओं का हाल भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताओ? हिमाचल में मुसलमान निकले वहां गया वहां से हो, क्योंकि सरकार गहलोत के उसमें राजस्थान में गहलोत की सरकार होने के बावजूद वो क्या नाम लड़कियों का रेप हुआ, बताओ वहां क्या मोहब्बत नहीं थी? बताओ वहां का भी कभी मुद्दा उठाया? अरे जहां जहां की सरकार है वहां कुछ भी हो जाओ तो मोहब्बत है ना। अच्छा लोग तो इस मामले को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देख रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम की है इन्होंने जाकर के, तो वही तो मैं कहना चाह रहा ना भाई लोगों को, मैं यही तो बात कहना चाह रहा ना, इस चीज इस हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे को ना उठाओ, इस चीज पर देखो कि विपक्ष क्या सोच रहा है ये बताओ। अगर वो हिंदू हो गया तो इसका मतलब उसने बात कह दी तो वो हिंदू हो गया। अगर भारत माता की जय के ना जो क्या नाम नारे लग रहे थे वहां से और उन्होंने विरोध जताया उस चीज का, हम भी तो इस बात को कह रहे भाई वो भी तो मुस्लिम है, उन्होंने क्यों जताया भाई विरोध? बताओ हम तो अपनी भारत माता से बहुत प्यार करते हैं, जान भी दे देंगे अपनी, अपने देश और धर्म के लिए मर मिटेंगे, बताओ हम नहीं विरोध जताएंगे चीज का? तो आप कैसे खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।